है ना वो, क्या कहा जाए, 10 रुपए में जान गवा देंगे चूतिया साले। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइस आप देख सकते हैं आज मैं चला रहा हूँ रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर 650, और भाई पहली बार है ये मेरा एक्सपीरियंस है डुअल सिलेंडर। तो चलिए देखते हैं भाई ये कैसी भागती है, और बहुत ही, तो ये मैं फर्स्ट गियर में हूँ। ओ भाई क्या परफॉर्म कर रही है बाइक, मतलब देख रहे 140 नो टाइम, तो क्या पावर पैक परफॉर्मेंस मतलब देख सकते हैं। और भाई मैं बता दूं कि मैक्सिमम जो मैंने भगाई है अभी तक सबसे ऊपर की, तो मैं CB300R भगाई है, लेकिन ये क्या पावर महसूस होती है रॉयल इनफील्ड से, तो मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। और मतलब क्या ही कहा जाए, अभी मैंने सच बता रहा हूँ मैं इसका कुछ भी डिटेल्स नहीं पढ़ा हूँ। अभी मैं बाइक रोकूंगा जब कहीं साइड में, तो पूरा आपको इसका एक पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा। अभी फिलहाल राइड रिव्यू चलिए करते हैं। और क्या भाग रही है, मतलब ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखिएगा, अभी मैं सेकेंड गियर में, और ये देखिए एग्जॉस्ट नोट, ये देखिए कितना बेसी है, और दो सिलेंडर का मतलब आपको एकदम पूरा पावर पता चलता है। और एक चीज अच्छी है दो सिलेंडर की वजह से कि ये ज्यादा हीट नहीं होती है, थोड़ा सा हैवी है। और अगर मैं सिटिंग पोस्चर की बात करूं तो मैं एकदम अपराइट कंफर्टेबल बैठा हूं। और अभी सोच सकते हैं मतलब किस लेवल का ये थ्रस्ट ऑफर कर रही है, क्योंकि मैं इतनी सीसी और इस पावर में पहली बार चला रहा हूँ, तो एकदम मेरा एकदम फर्स्ट जो जेन्युइन एक कह सकते हैं रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं, मजा आ जा रही है बिल्कुल। और क्या ये देख रहे हैं भाई, और लिटरली बाइक जो थ्रॉटल लेते ही मुझे एकदम पीछे ढकेल रही है, क्या परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है भाई। और ब्रेकिंग भी इसकी कमाल की है, बस एक टैप कर रहा हूं और बाइक जो है वो रुक जा रही है। बहुत मतलब मुझे पर्सनली देखा जाए तो मैं रॉयल इनफील्ड का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, अगर क्लासिक 350 और देखते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो पसंद था GT और इंटरसेप्टर तो मैंने कभी चलाई नहीं थी, आज मैं चला रहा हूँ, मतलब सच में मजा आ गया चला के। और हाईवे पे मतलब पोस्चर में एकदम अपराइट बैठा हूँ और एकदम कंफर्टेबल पोस्चर है, अगर मैं इसे क्रूज करना चाहूँ टूर करना चाहूँ तो आराम से कर सकता हूँ। तो चलिए इसका एक प्रॉपर गियर चैलेंज करते हैं आगे, ये हर गियर में कितनी जा रही है। वैसे मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया सेकंड गियर पे, 100 तो चली जा रही है। और क्या भाई, वेदर भी देख सकते हैं एकदम मजा आ रहा है, और थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो मतलब अमेजिंग। तभी भाई मैं कहूं कि ये KTM की ड्यूक 390 और RC 390 को कम्पीट कर देती है, इस लेवल का पावर है इसमें। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे मैं रोक लेता हूँ और ये लगा दिया फर्स्ट गियर, तो देखते हैं 3, 2, 1।
ऐसे चूतिया रहते हैं ना, मतलब क्या कहा जाए। दस रुपए में जान गवा देंगे। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया चूतिया साले। मतलब बीच हाईवे पे आप देख सकते हैं गाइस, एक सेकंड को मेरी लिटरली फट गई। बीच हाईवे पे मतलब वो 10 का नोट उठा रहा है भाई। ये बनारस आपको ऐसा जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरा मूड ही खराब कर दिया। खैर चलिए चलते हैं। और अगर मनोहरी की बात करूँ तो मैं देखिए बहुत ज़्यादा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी बाइक जो है वो हैवी है, थोड़ी सी मतलब काफ़ी अच्छी खासी हैवी है, लेकिन हाईवे के लिए एकदम एक परफेक्ट मशीन है ये। और थोड़े से वाइब्रेशंस आते हैं एकदम जब आप करीब करीब 6,000-7,000 आरपीएम पे जाते हैं, थोड़े से वाइब्रेशन फील होती है। नहीं तो भाई आप इस पे आराम से 120 पे क्रूज कर सकते हैं एकदम आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। गाइस देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है इंटरसेप्टर 650 रॉयल इनफील्ड की। इस बाइक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो चलिए इसके कुछ मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिल जाता है। और अगर डिस्क साइज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 320mm का आपको यहाँ पे डिस्क साइज़ देखने को मिल जाता है फ्रंट में। ये बाइक जो है वो डुअल चैनल ABS के साथ आती है। टैंक देख सकते हैं काफ़ी यूज और वाइड लगता है। तो 13.7 लीटर का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग राइड्स भी करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, बार बार आपको रिफ्यूलिंग नहीं करानी पड़ेगी। अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो 174mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी सही है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको 648cc का पैरेलल ट्विन डुअल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है। FI इंजन मिलता है आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जो पावर प्रोड्यूस करता है 47.6 PS की 7,150 RPM पे, एंड टॉर्क ये जनरेट करता है लगभग 52 Nm का 5,250 RPM पे। और यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब ऐसी कोई भी कमी बाइक में नहीं रखी गई है। और क्या एक्सेलरेशन है इसका, मतलब आपने देखे ही होगा वीडियो में, फर्स्ट गियर पे करीब 70-75 किलोमीटर पर आर की स्पीड और सेकंड गियर पे तो 100 चली जाती है। तो गियर रेशियो भी काफ़ी टॉल है, आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी अगर आप हाईवे पे भी आप क्रूज़ भी करते हैं या तो आपको बहुत जल्दी गियर चेंज नहीं करना होता है। तो गाइस बस ये था छोटा सा रिव्यू, और होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।